सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, मेरा नाम है अंशर, आप देख रहे हैं बियॉन्ड द स्काई यूट्यूब चैनल। तो गाइस, स्काला में एक प्रॉब्लम आ गई थी। तो मतलब उसका जो साइड इंडिकेटर होता है, उसका कवर होता है ना, वो गिर गया था। तो उसके लिए मैंने वुडमू एक कार की साइड है जिसपे सारे पार्ट्स लगभग मिल जाते हैं, जेन्युइन पार्ट्स। तो वहां से मैंने उसके इंडिकेटर्स मंगाए थे, तो अभी वो आ गया है। तो उसको मैं खूब अनबॉक्सिंग करता है उसकी, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, उसके बाद आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइज, ये है वो पैकेज, जल्दी से खोलते हैं। तो woodmoo.com से मंगाया है, उसकी ब्रांडिंग भी है यहाँ पे। जल्दी से खोलता हूँ, मेरे पास ये चक्कू है, चक्कू नहीं है, पेपर कटर है। खोल लेता हूँ जल्दी से, फिर दिखाता हूँ क्या है। हाँ तो पैकेज खुल गया। तो ये रहा अपना साइड इंडिकेटर, इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो ये डिब्बा निकला है, ठीक है। और इसकी पैकेजिंग ठीक ठाक है दादा, ये देखो। ओ शिट, वेल डन, वेल वेल डन, आई गॉट ब्रॉड्स इन द लंग। सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो जेन्युइन है बिल्कुल, इसमें पूरी ब्रांडिंग वगैरह है। तो पार्ट तो बिल्कुल जेन्युइन ही लग रहा है अभी तक। तो खोल के देखते हैं। तो गाइस, इससे निकला है ये, तो इसको भी खोल लेते हैं जरा। तो भाई ये है इंडिकेटर, मैंने मतलब उसमें एक का भी ऑप्शन था बट मैंने दोनों मंगा लिए थे। तो कुछ 50 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज लगा था और 266 के ये थे, तो ऐसे 300 कुछ के पड़ गए थे ये। मस्त है, मतलब जेन्युइन पार्ट्स अगर मंगाने हैं तो बस है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, बट मेरे को सही साइट लगी woodmoo.com, तो बस वहीं से मैंने मंगाए एंड सही निकले हैं यार ये। कल इसको इंस्टॉल करेंगे, अभी तो रात हो रही है, अभी गाड़ी भी नहीं आई मेरी, तो कल इसको इंस्टॉल करेंगे। बस देखने से तो मेरे को वही सेम लग रहा है बट सही निकले साइज, तो अभी तो बस ठीक है, मिलते हैं कल। हाँ तो गाइस, ये रहे वो इंडिकेटर जो आज इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ अभी कौन सा इंडिकेटर टूट गया था मेरा। हाँ तो गाइस, इसका जो ऊपर का हिस्सा था वो निकल गया था, इसलिए मैंने नए इंडिकेटर्स मंगाए हैं। तो भाई ये सबसे पहले तो मैं टेप हटा लेता हूँ, टेप लगा रखा था मैंने जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए, इलेक्ट्रिकल चीज़ है तो। और दूसरी साइड का भी देखे तो टेप से ही काम चल रहा है, क्योंकि ये भी निकलने वाला था तो मैंने सेफ्टी, देखो हाथ में आ गया जैसे ही वो किया, तो भाई ये निकला ही था, इसलिए नए मंगा लिए थे मैंने, ठीक है। अभी इसको लगाने के लिए सबसे पहले इनको रिमूव करना पड़ेगा पुराने वाले को, तो अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, पुराने वाले को रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले अच्छे से अपना अंगूठा वगैरह जो भी है सबको फंसाना है, दम से इसको खींचना है, थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, ऊपर से सर्दी इतनी है दम नहीं लगेगी भाई। ये देखो ये हाथ में आ गया, बस ऐसे ही रिमूव हो जाएगा। हाँ तो ये जो क्लिप दिख रही है आपको, बस इसको आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है और ये आपका हाथ में आ जाएगा, ये पुराना वाला। तो अब जल्दी से मैं नया वाला निकाल लेता हूँ। हाँ तो गाइस, ये हमारा नया इंडिकेटर, इसको इंस्टॉल करने के लिए भी सेम चीज करनी है, बस इसको आपको ऐसे डालना है अंदर, अच्छे तरीके से बिठाना है और ये बैठ गया। अब इसको घुमा देना है, तो अब ये रिमूव नहीं हो सकता, ये फिट होने के बाद बस कुछ नहीं करना। ये जो साइड है वो इस साइड आनी चाहिए, तो बस इसको ऐसे अंदर डाल दो और बस प्रेशर लगाओ थोड़ा सा, और ये इंस्टॉल हो गया। देख ही सकते हो मस्त तरीके से एकदम ये बैठ चुका है नया वाला इंडिकेटर। तो देख ही सकते हो आप, इसमें लाइट आने लगी है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन वनेक्शन तो अपन ने छेड़े भी नहीं है वैसे भी, और ये मस्त तरीके से बैठ चुका है। तो ऐसे ही दूसरी साइड का भी जल्दी से मैं कर देता हूँ। उसके बाद आपको नया इंडिकेटर लेना है, ये देख लो नया, उसके बाद बस सेम तरीके से इसको अंदर बिठाओ, ये बैठने के बाद इसको ट्विस्ट कर दो, अब ये बाहर नहीं आ सकता। एंड इसको भी जैसे वहाँ पे फिट किया था वैसे ही सेम यहाँ पे कर दो, थोड़ा प्रेशर लगा के।
ये देखो ये भी बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गया, देख ही सकते हो कितना मस्त फिट आया इसका। और इसको भी चला के दिखा देता हूँ, तो गाइस देख लो आप कितना मस्त सही तरीके से फिट कर लिया भाई भाई, ठीक है। तो देख लो आप लुक, फाइनल लुक। और ये तो मैट्रिक्स वाले जल ही रहे हैं, इस साइड का भी दिखा दूँ, देख लो कितना मस्त तरीके से जल रहा है, बिल्कुल नया हो चुका है। और ये रहे पुराने वाले, ये दोनों पुराने वाले, तो बस इनको भी आप संभाल के रख लो अगर आपको भी चेंज करना है अपनी गाड़ी में, कभी का बाद में काम आ सकते हैं। ये तो भाई अभी मस्त लग रहा है क्योंकि नया नया चीज़ है, ठीक है देख लो।